आज हम बात करने वाले हैं विटामिन ई कैप्सूल्स की। ये कैप्सूल्स आपके बालों और आपके स्किन के लिए बहुत फायदेमंद हैं। इन कैप्सूल्स के सही इस्तेमाल से आप रिंकल से बच सकते हैं, फटे होंठों को मुलायम बना सकते हैं, आंखों के नीचे हुए काले घेरों को ठीक कर सकते हैं और यहाँ तक कि स्ट्रेच मार्क्स को भी आसानी से दूर कर सकते हैं। यही नहीं, और भी कई फायदे हैं विटामिन ई कैप्सूल्स के, और इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर ये वीडियो आपके इंटरेस्ट का है तो सबसे पहले नीचे लाइक बटन दबाएं। विटामिन ई कैप्सूल का एक पत्ता करीब 20 रुपए का आता है और ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाएगा। आपने करना सिर्फ इतना है कि एक कैप्सूल लें, साफ धुले हुए हाथों से एक पिन लें और इसे इस तरह से प्रिक करें। इसका जेल एक कटोरी या चम्मच में निकाल लें। आप चाहें तो इसे ऐसे ही डायरेक्टली स्किन या बालों में लगा सकते हैं और चाहें तो इसमें ऑलिव ऑयल मिला लें, जिससे कि इसे लगाना आसान हो जाएगा। अगर आप ऑलिव ऑयल नहीं इस्तेमाल करते तो आप इसमें कोई भी तेल मिला के लगा सकते हैं। विटामिन ई में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी स्किन और बालों के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। इसके ब्यूटी बेनिफिट्स के कारण आजकल पार्लर्स में भी काफी फेशियल्स, मैनिक्योर्स, पेडिक्योर्स और हेयर ट्रीटमेंट्स के लिए ये विटामिन ई कैप्सूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इन कैप्सूल्स को कहाँ और कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। होंठों के लिए, चाहे फटे होंठों को ठीक करना हो या फिर होंठों को मुलायम और चमकदार बनाना हो, विटामिन ई कैप्सूल्स दोनों ही केसेस में बहुत फायदेमंद साबित होते हैं। अपने होंठों को पहले पानी से धो लें और उसके बाद विटामिन ई ऑयल से मसाज करें। आप चाहें तो डायरेक्टली एक कैप्सूल से जेल निकालकर होंठों पर लगा सकते हैं और चाहें तो इसे आधा चम्मच बादाम के तेल के साथ मिलाकर फिर लगाएं। अगर रात को सोने से पहले लगाएंगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा। अगर आपके लिप्स का कलर डार्क है तो इसे रेगुलरली करने से वो भी लाइट हो जाएगा और आपके होंठ सुंदर गुलाबी रंग के हो जाएंगे। चेहरे के लिए विटामिन ई, जिसे कि स्किन विटामिन भी कहा जाता है, इसमें स्किन को ठीक करने की बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं। तो आपकी जितनी भी स्किन की समस्याएं हैं, जैसे कि पिंपल्स, एक्ने, डार्क स्पॉट्स, ड्राई स्किन, वो सब इससे ठीक की जा सकती हैं। ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है और हाइड्रेटेड रखता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, जो कि आपकी डैमेज स्किन सेल्स को रिपेयर कर सकते हैं। ये आपको जल्दी एजिंग से भी बचाता है, तो अगर आपको लगने लगे कि आपके चेहरे पर रिंकल्स आने लगे हैं तो आप घर बैठे ही अपना ट्रीटमेंट खुद से कर सकते हैं। एंटी रिंकल मास्क बनाने के लिए आपने लेना है बस 2 कैप्सूल्स का विटामिन ई ऑयल और उसमें मिलाना है 1 चम्मच दही, 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच नींबू का रस। इस मास्क को कम से कम आधा घंटे के लिए लगाकर रखें और फिर पानी से फेस धो लें। इसे हफ्ते में कम 3 बार करें और फिर रिजल्ट्स देखें। उसी तरह अगर पिंपल्स हों या चेहरे पर दाग धब्बे हों तो आप विटामिन ई कैप्सूल से जेल निकालकर सीधा ही फेस पर लगाएं। इसे लगाने से पहले अपना चेहरा अच्छे से धो लें और उसके बाद ही ये जेल लगाएं। रात को सोने से पहले लगाएंगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा और सुबह उठकर ही चेहरा धोएं। 1 से 2 हफ्तों में ही आपको फर्क दिखने लगेगा। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो पहले एक पैच टेस्ट जरूर कर लें। आंखों के लिए, आंखों के नीचे पड़ रहे काले घेरे या फिर थकी हुई आंखों के लिए इसका इस्तेमाल अच्छा माना जाता है। ऐसे में आप विटामिन ई के एक कैप्सूल से निकले हुए जेल को अपने लोशन के साथ मिलाकर आंखों के नीचे लगाएं और रात भर के लिए छोड़ दें। इसका असर आपको कुछ ही दिनों में दिखने लगेगा। बालों के लिए, विटामिन ई बालों के लिए भी बहुत बढ़िया है। इसके इस्तेमाल से बाल घने और मजबूत बनते हैं। इससे स्प्लिट एंड्स यानी कि 2 मुहे बालों को ठीक किया जा सकता है, डैंड्रफ को हटाया जा सकता है, बालों का झड़ना रोका जा सकता है और यहाँ तक कि बालों को जल्दी सफेद होने से भी बचाया जा सकता है। आप इसे अपने शैम्पू, कंडीशनर या फिर तेल में मिलाकर भी लगा सकते हैं। नाखूनों के लिए, आमतौर पर लड़कियों को लंबे नाखून रखना पसंद होता है, पर ऐसा कई बार होता है कि काम करते वक्त ये नाखून टूट जाते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको बादाम के तेल में 1 विटामिन ई कैप्सूल का जेल मिलाकर अपने नाखूनों पर लगातार लगाना है। इससे आपके नाखून मजबूत भी बनेंगे और जल्दी लंबे भी होंगे। स्ट्रेच मार्क्स कम करने के लिए, महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान सबसे ज्यादा स्ट्रेच मार्क्स की समस्या देखने को मिलती है।
इससे छुटकारा पाने के लिए आप विटामिन ई के 2 कैप्सूल्स का जेल लें और उसे नारियल तेल या बादाम के तेल में मिलाकर लगाएं। इससे ये दाग हल्के पड़ जाएंगे। एड़ियों के लिए, सर्दियों में अक्सर हमारी एड़ियां फटने लगती हैं। इससे बचने के लिए एक कैप्सूल का जेल लें और उसे बादाम के तेल में मिलाकर एड़ियों की मसाज करें। इससे आपकी फटी एड़ियां ठीक भी हो जाएंगी और मुलायम भी रहेंगी। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।